मैंने इनसे प्रार्थना की कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन आज उस्मानिया में मेरा यह संकल्प है कि इन बेटे और बेटियों की जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा, बेहतर से बेहतर बने। उसके लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं प्रयास करूंगा। इतना भाग्यशाली हूं मैं जिससे ये बच्चे प्यार करते हैं। हमारा मामा, मेरा मामा, भगवान तूने मुझे धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। ये संबंध नेता के नहीं है। अभी मेरे छोटे भाई आशीष आपको विकास के कामों के बारे में बता रहे हैं। रमाकांत जी यहां बैठे हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, रघुनाथ जी हैं, तपन जी हैं। ये सभा राजनीतिक नहीं है, ये मेरे परिवार की सभा है। जब मेरी बहन और मेरे भाई अपना आशीर्वाद लेकर मेरे पास आए, मेरी बहनों तुम्हारा दिया हुआ एक एक रुपया मेरे लिए अरबों की दौलत है, तुम्हारा आशीर्वाद। और इस आशीर्वाद को मैं किसी भी कीमत पर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे लिए हर स्त्री देवी की मूर्ति है, हर बहन देवी की मूर्ति। दुर्गा सप्तशती में यही कहा, और हर बेटी देवी का स्वरूप। इसलिए हमेशा इन बेटियों की पूजा करके मैं कार्यक्रम प्रारंभ करता हूं। चुनाव किस लिए? मेरे लिए चुनाव सांसद विधायक बनने के लिए नहीं, जनता की सेवा का माध्यम है यह चुनाव, देश की सेवा का माध्यम है यह चुनाव। और देश के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ पार्टी कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। देश के लिए सबसे अच्छे नेता अगर आज कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। मैं भी इस अभियान में, आंदोलन में शामिल, और मैं आज सच बता रहा हूं आपको, मैं राजनीतिक भाषण नहीं देता, मैं अपने मानव जीवन की सार्थकता के लिए राजनीति में। अपने लिए क्या जीना, अपने लिए तो कीट पतंगे जीते हैं, पशु पक्षी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। तू जी ए दिल जमाने के लिए, मेरे लिए अपनी जनता की सेवा भगवान की पूजा है। मैं पूजा मान के राजनीति में काम करता हूं, और जीवित जागृत भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, ये मेरे देवी देवता बैठे, भगवान की आंखों के तारे हैं। ये वो फूल है जो सारे जग को प्यारे लगते हैं, और मैं ऐसा ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि जिसको ये बच्चे भी प्यार करते हैं। ये जीवित जागृत देवी देवता है जनता। देखो एक बात मैं साफ कहता हूं, ये भगवान तपस्या से प्रसन्न होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। मंदिर में जाकर आप दर्शन करोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा, ये भी मैं नहीं जानता। तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो भगवान प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी बहनों, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, अगर तीन की गरीब माँ बहन और बेटी की सेवा कर ली तो उन्हीं की आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन हो। मैं राजनीति के मायने
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से बदलना चाहता हूं। और इसलिए मेरी बहनों भाई आशीष अभी बता रहे थे, मैं भी गांव का हूं, मैंने गांव में बचपन से देखा कि बेटा और बेटी के बीच में भेद किया जाता है। मां की चाहत भी होती है कि उसकी कोख से बेटा जन्म ले। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर इच्छा ही होती भैया आ जाए, बेटा आ जाए, बेटा आ जाए, बधाई का और लड्डू बांटो। और एक जमाना वो था, आज बदला है, बेटी अगर पैदा हो जाए मां का चेहरा भी उतर जाता था जैसे बेटी ने आफत आई, सबसे दिल रोता था, आत्मा रोती थी। एक ही भगवान ने दोनों बनाए, बेटा और बेटी। क्या भेजे भैया, बेटा बेटी आप बताओ। मैं चुनाव के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, क्या बिना बेटी के दुनिया चल सकती है क्या? बोल के बताए चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष, ये सृष्टि का आधार है। तो बेटा बेटी दोनों को बराबर प्यार करो। और बेटियों की तकियों की 912 बेटी पैदा हो रही थी, तुम्हें पता है बेटे हजार हजार बेटों पे 912 बेटियां, क्योंकि कई जगह मेरी बहनों को भूख का तल खाना बना दिया। अगर मशीन में पता चल गया कौन है पेट में बेटा की बेटी, बोले बेटा मान दो, बेटी है तो वही मार दो। ये पाप भी हुआ है इस जगत में, ये पाप भी हुआ है। और जब ये देखता था बचपन से, तो मेरी आत्मा को देखी, और वो सोचता था कि परमात्मा वो दिन कब आएगा जब लोग बेटी के जन्म पे खुशियां बनाएं। और भाइयों जो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई ना, मौका मिलती, रमाकांत जी बैठे सांसद है, मैं जब कुछ नहीं था तब हम बेटियों की शादी करते थे क्षेत्र में, पैसा इकट्ठे करके। मैं सोचता था कि बेटी की शादी को बोझ मानते हैं तो चलो अपन बेटियों की शादी करें, लेकिन अकेला कितनी करते, 30, 35, 38, 40 शादियां करते थे। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मुझे कहते हुए गर्व है, सबसे पहले बेटियों की शादी की योजना कन्यादान बना दी कि अब बाकी सरकार करेगी। माना लाडली लक्ष्मी इसलिए बनाई कि बेटी लखपति पैदा, बोझ मत समझना, बोझ नहीं है वो, उसके बिना धरती नहीं चल सकती, दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन दुनिया बोझ ना समझे इसलिए लाडली लक्ष्मी इसलिए बनाई कि पैदा होने के बाद जब वो बड़ी हो तो 5वीं पास करके 6वीं में 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 11वीं 12वीं में फिर 6000, कॉलेज में 12.5 हजार, कॉलेज पास करे तो 12.5 हजार, और बड़ी 21 साल की हो जाए तो 1 लाख मिल जाए। मेरी कल्पना थी बिटिया लखपति बन जाए ताकि बोझ न समझी जाइए। वोट के लिए जी की मैंने कोई भी हो, चुनाव के लिए नहीं बनी कोई भी हो, बेटियों की जिंदगी बदलने के लिए मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ सके। आशीष बता रहे थे मैं लंबा समय नहीं, क्यों गरीब के बेटा बेटी को, किसान के बेटा बेटी को पढ़ने का हक नहीं है क्या? कि अच्छे कॉलेजों में उनके स्कूलों में अमीरों के बेटे ही पढ़ेंगे। और जो सीएम राय स्कूल बनाना शुरू किया, इसलिए गरीब धनु पन्ना कल्लू के बेटा बेटियों को भी अच्छे स्कूल पढ़ने मिल जाए, क्योंकि बुद्धि उनमें है, अकल उनमें है, पढ़ने की सुविधा नहीं है इसलिए नहीं पढ़ पाते। उनकी जिंदगी बदलने का अभियान, चाहे लैपटॉप देना हो चाहे स्कूटी देना हो, काय के लिए देना? लैपटॉप इसलिए अच्छे नंबर लाने की प्रतियोगिता हो कि मामा लैपटॉप दे देगा, स्कूटी इसलिए कि बेटा बेटी को लगे कि अच्छे नंबर ले आओ, हम गरीब घर में भी पैदा हुए हैं, अच्छे नंबर लाए तो स्कूटी पे स्कूल कॉलेज जाएंगे। इसलिए लाडली बहना क्यों मेरे भाइयों, लाडली बहना इसलिए मेरी कई गरीब बहन पैसे पैसे के लिए 100 रुपया के लिए मोहताज होती थी, 100 रुपया, 50 रुपया, मायके भी जाना हो और मांग लिए साफते कि दे तो जा रही हूँ मायके भैया के घर, बोले जब देखो तब मांगती रहती नहीं है मेरे पास, तो मौन बता के रह जाती थी। एक बात भाइयों बताओ, क्या धरती के साधनों पे भगवान ने औरत जात को हक नहीं दिया? बताओ आज दिन से बताओ, अधिकार में राजनीतिक भाषण नहीं देना, बताओ स्त्री के अभी हक है कि नहीं?
ये खेत मकान दुकान जमीन जायदाद जल जमीन जंगल इसको बताओ, स्त्री का भी हक है कि नहीं बताओ, उनका भी है। कई लोग उनका क्या कर रहा है, पूरी में बांट रहा है, यार इनका उनका हक ताकि आपके सम्मान और गर्व से मेरी बहन कहे कि मेरा भी खाता है, उसमें हर महीने पैसा आते हैं, मैं जब कहूंगी निकालूंगी और जैसा चाहूंगी। उसका हक देने की कोशिश है, पर ये मेरा चुनाव नहीं है। मैं शायद ये बात नहीं कहता मैं चुनाव की बात करने आया होगा, लेकिन ये चुनाव नहीं है, ये मेरे जीवन का मिशन है कि मैं बेटा और बेटी को बराबर पर लाने के लिए पूरी जिंदगी काम करूंगा और स्त्री और पुरुष बराबरी पे आ जाए, बहन को भी सम्मान और इज्जत मिले, उसके पास भी पैसा हो। ये छोटी सी बिटिया सरपंच बन के बैठी है, मेरी बेटी, क्या नाम है बेटी? सोनाली। मैंने तय किया था मेरी बहनों आधी सीटों पे बहने ही चुनाव लड़ेगी, भाई भी लड़ेंगे, अब सोनाली जैसी बिटिया चुन के आने लगी। ये अधिकार मैंने, ये जिंदगी बदलने का काम, ये राजनीति नहीं है, ये जिंदगी का मिशन है मेरे भाई, जिंदगी का मिशन। और ऐसे ही आपकी सेवा करते करते मैं जीना चाहता हूं, जब तक भगवान ने सांस ली है मुझे, जब तक हाथ पांव चलेंगे, एक ही काम अपनी जनता की सेवा। और इसलिए आशीष जो कह रहे थे नर्मदा जी का पानी हो, सांसद जी बैठे उनने बहुत कर्मठता पूर्वक आपकी सेवा, मैंने हजूर सभा में की है, ये हमारा नेतृत्व बैठा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं भावनाओं में बह गया, मैं नाम नहीं ले पाया, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आज उस्मानिया की पवित्र धरती पर मैंने कदम रखा है तो आपकी सेवा के लिए रखा है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए रखा है। इसलिए नहीं कि सांसद बनकर मैं दिल्ली के भवनों में जाकर सो जाऊं, दिनों रात आपकी सेवा करूंगा। और ये जो बेटे और बेटियां पैसा लेके आए हैं, इनके भविष्य को बेहतर बनाऊंगा, गरीब हो किसान हो नौजवान हो मेरी माता बहने हो, तुम्हारी जिंदगी में कैसे खुशियां आए, खुशियों के रंग कैसा भरे, इसके लिए कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है, अपने देश की सेवा भी करेंगे, केंद्र की योजनाएं भी ढंग से लागू करेंगे। एनर्जेटिक उत्साही और कर्तव्यनिष्ठ विधायक आपके पास है, हम लोग मिलकर काम करेंगे, दिन और रात करेंगे, जी जान से करेंगे। चुनाव तो पहले साल में नहीं आ पाऊंगा हर गांव, क्योंकि मुझे पार्टी और जगह भी भेजती है, आज भी मैं आज पहुंच आया, मुझे देश में भी कुछ जगह जाना है, लेकिन चुनाव के बाद योजनाबद्ध ढंग से आपसे मिलने आपका भाई फिर आएगा। और मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे बिना मेरी राजनीति पूरी नहीं होती रही, जब तक तुम्हें गले नहीं लगा देता, जब तक तुम्हारे सिर पे कई लोग कहते कैसा, जब हम मुख्यमंत्री थे तब भी कैसा मुख्यमंत्री, बच्चों के साथ ही हाथ मिलाता है, क्योंकि यही बच्चे मेरी जिंदगी है और उनकी जिंदगी बदलना मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। मैं दोनों माया पैदा के भांजे भांजियों के गले लगता हूँ, बहनों से आशीर्वाद देता हूँ, आइए कुस्मानिया वालों, हम सब मिलकर पार्टी की ये टीम मिलके इतनी बढ़िया टीम बनाए कि अपने क्षेत्र की तस्वीर भी बदल दें और जनता की तकदीर भी बदल दें। हम तो सौभाग्य से मोदी जी जैसे नेता मिले हैं जिनके नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं को हम लागू करेंगे, और मध्य प्रदेश की सरकार मोहन जी के नेतृत्व में उन योजनाओं को लागू काम करने का काम करेगी। मैं दिन और रात आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके भाई के रूप में, आपके बेटा के रूप में, मामा के रूप में और बहनों के लाडले भैया के रूप में। बताओ मेरी बहनों, अपने भैया पर भरोसा है? जोर से बोल के बताओ, विश्वास है? और भाइयों आपको भी है? जान भले ही चली जाए, तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा, मिलकर विकास की नई गंगा बहाएंगे और लोगों की जिंदगी बदलने का काम करेंगे। मैं बहुत जल्दी नहीं जाऊंगा, जो बहने आना चाह रही थी उन बहनों से मिलके ही जाऊंगा, उनका ये 10 रुपया अरबों की दौलत के बराबर है मेरे लिए, इसको सर माथे पर रखूंगा, क्योंकि ये आशीर्वाद है मेरी बहनों का। लेकिन भांजे भांजियों से पैसा नहीं लेते भैया, भांजे भांजियों से कैसे उनसे पैसा नहीं लूंगा, रक्षा हो चाहे शिवम हो उनके पैसा मैं नहीं लूंगा। आपका आशीर्वाद
मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अभी बैठा है 5 मिनट मेरे साथ। अच्छा एक बात बताओ, चुनाव जीतना तो तय है कि नहीं है? तो जीते तो ऐसे धूमधाम से जीते कि दुनिया देखे कि खातेगांव परिवार वालों ने कैसे चुनाव जीते। और ये दो चीजें केवल, 19 तारीख को मैं फार्म भरूंगा, हाई तो आएंगे ही आएंगे कि नहीं फार्म भरवाने, लेकिन बताओ बहनों तुम भी आओगी? मेरी बहने भी हर गांव से भैया को वहां आशीर्वाद देने आए, ये मेरी सब बहनों से प्रार्थना है। और हर पोलिंग से मेरी बहन भी गाड़ी में बैठ के भाई का फॉर्म भरवाने आए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, नर्मदा भैया की, हर हर नर्मदे। कुशवाहा के, मोहाई के कुछ लोग।